लॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खास रेसिपी बनाने जा रही हूँ होली पे, जिसे कि आप आने वाले मेहमानों को बना के पिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है और बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है ये, जिसका नाम है पान शॉट। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है पान शॉट, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। पान शॉट बनाने के लिए मैंने ये 5 पान के पत्ते लिए हैं और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच गुलकंद लिया है, 2 चम्मच पान मसाला है। ये आपको किसी भी पान शॉप पे आराम से मिल जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप घर में इलायची, सौंफ, सुपारी, ये 2-3 चीजें मिक्स करके भी डाल सकते हैं। ये मैंने खजूर ली है, 3-4 खजूर को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था पानी में, इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। ये मैंने इलायची पाउडर लिया है, ये मैं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी। वैसे इस मसाले के अंदर भी छोटी इलायची है बट इलायची फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इलायची और भी डालूंगी। और ये मैंने लिया है वेनिला आइसक्रीम, ये मैंने होममेड ली है, इसकी रेसिपी मैंने दे रखी है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास वेनिला आइसक्रीम नहीं है तो आप जो फ्रेश नारियल होता है उसका मिल्क बना के भी बीच में डाल सकते हैं और भी हेल्दी करने के लिए, या मिल्क और क्रीम को मिक्स करके वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने पान के पत्ते छोटे छोटे टुकड़ों में एक जार के अंदर डाल दिए हैं, मिक्सर जार के अंदर। इसी के अंदर मैं ये सारी चीजें डाल दूंगी, खजूर, ये मैंने पान मसाला डाल दिया है, ये गुलकंद डाल दिया है मैंने, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इलायची वैसे भी आपको पता है बहुत एनर्जी देती है, छोटी इलायची। अब हम इसके अंदर डालेंगे आइसक्रीम, इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। ये हमारा पान शॉट बनके तैयार है, इसे हम सर्व करने के लिए ग्लासेस के अंदर डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये पान शॉट बनता है। आप इसमें मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हैं और कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है पान मसाले के साथ सर्व करने के लिए। आप इसे छोटी इलायची के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये पान शॉट बनके तैयार हुआ है, बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी है। आप इसे होली पे जरूर ट्राई करें और अपने मेहमानों को जरूर पिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।